हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्लांट्स डॉक्यूमेंट्री, आज मैं आपके लिए एक नया प्लांट लाया हूँ। इसका नाम है, ये कली का प्लांट है, इसको हम मोटिया भी कहते हैं। ये देखें, ये मेरे पास प्लांट है। इसमें ये देखें, ये इसकी लीव्स, ये हमारे पास लश ग्रीन है। ये देखें, ये इसको ग्रीन रखने के लिए इसमें मैं किचन को पॉट यूज़ करता हूँ। ये मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है। ये देखिए, इसमें नई नई कोंपले निकल रही हैं। और ये देखें, ज़मीन में इसको लगाया हुआ है। इसमें मैंने तकरीबन एक माह बाद इसमें किचन का पॉट डाल देता हूँ और इसकी ग्रोथ आपके सामने है। ये देखिए, फुली ये देखें, इसमें ना कभी कभी ये जो उसे पत्ते ख़राब है ना, इसमें कीड़ा लग जाता है। इसके ऊपर मैं ना नीम का स्प्रे कर देता हूँ। और ये देखें, ये सुबह इसमें मैंने एक कली तोड़ी थी, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। इस तरह ये ना लगती हैं। ये देखें, ये भी है इस तरह, और बहुत सारी है ना इसकी कॉम्प्लेन, छोटी छोटी सी साइड से निकलती है। इसमें तकरीबन इसमें 20 से 25 कलियाँ होती हैं। ये देखिए, इसके साथ भी छोटी छोटी सी हैं, और मैंने कुछ उतार भी ली हैं। ये देखें प्लांट की, आप देखें, ये देखें इस तरह निकलती हैं ये पत्तियाँ। मैं आप एक और दिखाता हूँ, ये देखें, इसमें से ये निकलेंगी सेंटर में से कोंपलें, कभी 3 होती हैं और कभी 4। इस तरह ये गुच्छों की शक्ल में आ जाती है। अगर कलियाँ ज़्यादा चाहिए हो ना, इस तरह कट करके ना, कट करके ना, फिर इसमें से ना ये निकलेंगी साइड से ना, इधर और इधर से ना 2 ब्रांचें निकल आएंगी, और ये इसकी शेप इस तरह होंगी। ये तो एक है ना, इस तरह की 2 निकलेंगी उसमें, और कली उसमें तकरीबन 8 से 10 आएंगी। ये देखो, जी मैंने आपको बताया, इस तरह कीड़ा इसको लग जाता है। इसके ऊपर आपने नीम स्प्रे का कर देना है स्प्रे, और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। ये देखें इनकी शेप। और अगर आपने खाद यूज़ करनी है तो इसमें आपने DAP और थोड़ी सी सोना यूरिया, और ऑर्गेनिक में जाना है आपने इसमें नीम खली या इसमें आपने सरसों की खली डाल देनी है, और आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये देखिए, कलियों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।